हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो देखिए, हमारा अगला जो अंक है इस वीडियो का वो है हम ब्लूप्रिंट यहाँ पर मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी को समझ में आए कि ब्लूप्रिंट हमारा कैसा रहेगा। तो देखिए, क्लास एलेवेंथ के ब्लूप्रिंट में हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास एलेवेंथ के, जिसमें आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ और फाइनल परीक्षा जो शामिल है, उसमें ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपको बताएगा कि हमारे पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, तो 2022-23 का जो स्कीम है हमारे पास, इस सत्र की जो स्कीम है, इसमें हमारे पास पूर्णांक 80 अंकों के पेपर होंगे, जिसमें 20 अंक जो हैं आपके आंतरिक हैं, जो आपके इंटरनल यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे, और 80 अंक जो हैं उसका मूल्यांकन आपकी परीक्षा के आधार पर हुआ जाएगा। एक तरीके की परीक्षा आंतरिक भी है, जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा, ओके, और कुछ एक्टिविटी बेस्ड मार्क्स रहेंगे, कुछ परियोजनाएं रहेंगी, है ना, और कुछ टेस्ट पेपर, और कुछ ये समझ सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस यानी उपस्थिति के आधार पे ये मूल्यांकन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इकाई एवं विषय वस्तु का वितरण किस प्रकार का है। तो ये आपके सामने स्क्रीन में जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ये आपकी मदद करेगा इस चीज़ को समझने में। जैसे समुच्चय 6 अंक का आ रहा है, तो इसमें एक अंक के 3 प्रश्न हैं। अब एक अंक के प्रश्न मतलब समझ लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास में क्या क्या होते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, सही गलत होते हैं, ओके, और सत्य असत्य, वही सही गलत तो सत्य असत्य ही कहला गया, जोड़ी बनाओ क्वेश्चन, मतलब ये जो एक एक अंक वाले क्वेश्चन होते हैं ये 3 अंक रहेंगे। इसमें आपका खाली स्थान भी आता है, ओके। अब यहाँ पर जो अंक ये जो है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो आपका है, ये कैसा पार्ट है, इसमें बड़े लघुत्तरीय, ओके, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय अंक का वितरण रहेगा। तो किस प्रकार से वितरण रहेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इकाई पर आवंटित 6 अंक हैं, यहाँ पर 6 अंक हैं, तो इसमें एक अंक के 3 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 3 अंक का है। तो 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6। 3 + 3 इक्वल टू 6, यानी 3 + 3 इक्वल टू 6। तो कुल प्रश्न यहाँ पर कितने हो गए हैं, यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न आपके पास में एक, ये वाला जो है ये एक प्रश्न आ रहा है, और 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं, यानी बहुवैकल्पिक कह लो या एक एक अंक वाले कह लो, या उनमें सत्य असत्य, सही जोड़ी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके के जो प्रश्न रहते हैं, आप पहले भी परीक्षाएँ देते आ रहे हैं, तो वो प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं संबंध एवं फलन की, जो कि 5 अंक का है। संबंध एवं फलन 5 अंक का है, तो इसमें एक एक अंक के 3 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन है। तो 3 + 2 कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। इस तरीके से ये व्यवस्था आपके सामने दी गई है। त्रिकोणमिति फलन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का आ रहा है, और 10 नंबर में एक आपके पास 4 अंक का प्रश्न है। 5 अंक का स्कीम में आपके कोई प्रश्न नहीं है, मतलब 5 अंक का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। 4 अंक वाले क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, देखिए एक आ रहा है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण से, एक आ रहा है आपका अनुक्रम एवं श्रेणी से, एक आ रहा है 4 मार्क्स का, 4 अंक का क्वेश्चन शंकु परिच्छेद से, बस इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 3 अंक वाले देख लीजिए आप, 3 अंक वाले किन किन चैप्टरों से आ रहे हैं, तो 3 अंक का एक प्रश्न आएगा आपका अनुक्रम एवं श्रेणी से, और 3 अंक का एक प्रश्न सीमा एवं अवकलज, और 3 अंक का एक प्रश्न आपका सांख्यिकी से है, और 2 अंक वाले प्रश्न देखिए काफ़ी सारे चैप्टर से आ रहे हैं, तो आप इनका मिलान कर लीजिए। तो मतलब कुल मिला के इस तरीके से इस ब्लूप्रिंट पर आपका फाइनल एग्ज़ाम और आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो इसी ब्लूप्रिंट पर बनेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर ये पूरे चैप्टर की जानकारी दी गई है, तो ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही अप्लाई होगा। हाँ, बाकी के जो पेपर होंगे उनका अंक वितरण बदल जाएगा और उनके चैप्टर्स कम हो जाएंगे, तो किसी में ज़्यादा अंक, किसी में कम अंक होंगे। जैसे कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई थिंक 6 तक आ रहा है, मुझे क्लियर जानकारी नहीं है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक 6 चैप्टर तक आ रहे हैं, तो 80 प्रश्न का पेपर आपका 6 चैप्टर्स में से होगा, तो प्रश्नों की संख्या यकीनन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश। जो टीम प्रश्न पत्र बनाती है उसके लिए निर्देश क्या है यहाँ पे, कि 40% जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ओके।
40 प्रश्न जो है विषय परक होंगे और 20% विश्लेषणात्मक होंगे। ओके, मतलब ये 40% जो है विषय परक है, मतलब कि एक तरीके से डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और विश्लेषणात्मक मतलब कि ये सिंथेटिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिक। विश्लेषणात्मक को हम बोलेंगे एनालिटिक, मतलब ये थोड़ा सा इस पार्ट को आप क्या कह लो, इसको डिफ़िकल्ट पार्ट कह लो। ओके, ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच चाहनी पड़ेगी आपको, उसको क्वेश्चन को कई हिस्सों में तोड़ करके देखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं, अति लघुत्रीय दो प्रश्न वाले की शब्द सीमा 30 शब्द है, जो लघुत्रीय है 3 अंक वाले उनकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। विश्लेषणात्मक में हमारे पास दो हैं, इनको आप दीर्घउत्तरीय भी कह सकते हैं, तो दो हैं, तो दो में अपने पास तो 4 अंक का ही आ रहा है, लगभग 120 शब्द, और 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 150 शब्द हैं। तो बस इतना ही इस प्रकार का अंक विभाजन करना है। कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% प्रश्न सरल हैं, 45% सामान्य हैं, और 15% प्रश्न आपको कठिन मिलेंगे। तो ये था मित्रों हमारी क्लास 11वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का अंक विभाजन और ब्लूप्रिंट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही जानकारियों के लिए कमेंट करिए कि आपको कैसी जानकारी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।